तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, बेसिक इंटीग्रल्स, इसके अंदर हम लोग बेसिक के अलावा हम लोग लेवल टू कह सकते हैं, सेकंड लेवल कह सकते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देख लेंगे जो यूज आएंगे। यानी ये दोनों क्लासेस हमारे लिए अनिवार्य कह लो या कंपलसरी कह लो करनी है। तो 14 तक तो पढ़ चुके हैं, तो 15 हमारा जो है वो इंटीग्रल याद रखना है। मैं उनको याद करने से बेटर है आप इनको एज अ फॉर्मूला याद रख लें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x²। अगर ये आता है तो हम जानते हैं ये डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का, तो आप लोग याद रखेंगे ये होता है साइन इनवर्स एक्स। मैं इसको, ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट इसकी जगह आप लोग यूं याद रखो कि अगर यहां 1 की जगह कुछ और भी है तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर a²- x² है, ये रिजल्ट आएगा x/a+c। तो 15वां जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, बट इसको एज अ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सो लेट्स राइट, वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज, ठीक है? ये फॉर्मूले हैं जो बाकी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? फॉर्मूले शब्द कई बार लगता है हिंदी शब्द है, बट नहीं, फॉर्मूले जो है एक से ज्यादा हो तो यही है। तो ये हो गया 16th रिजल्ट जो मैं बताने वाला हूं, वो है dx/1+x². हम जानते हैं 1/1+x² जो है वो डिफरेंशिएशन होता है टैन इनवर्स का, तो मैं इसको लिखूंगा जरूर, ये है टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। बट आप ये देखो, अगर 1 की जगह कोई a² आ जाए तो आप लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2, कंपलसरी है जो याद रखना है। और तीसरा 17th वो है dx/√, इसको चेंज कर देते हैं, अब x²- a² है तो इसका रिजल्ट याद रखना है हमें log ऑफ x+√x²- a²+c। अब जहां पे हमने देखा दो रूट के कवर हो चुके हैं, तो हमारे पास तीसरा भी एक रूट वाला आता है, लेट्स रिमेंबर दैट वन ऑल्सो। 18वां भी अपन देख लेते हैं कि अब अगर रूट के अंदर x²+a² आता है तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो होगा लॉग ऑफ x+√x²+a²+c। बिना रूट के एक डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो इसका मतलब 19वां फॉर्मूला हमारे पास बनेगा dx/x²- a², इसको याद रखना है 1/2a log(x-a)/x+a। क्लियर? देन 20th रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx(a²-x²) जो होता है 1/2a log(a+x)/a-x+c। तो ये हमारे पास अब 6 रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, 600% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये 6 फॉर्मूले जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको रट लो, बट इनको बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे अपने आप। पैर में ध्यान रखिएगा, बिना रूट के हैं ये 16th, 19th और 20th, बिना रूट के हैं और बाकी रूट के साथ हैं। ये कहां काम आएंगे इसके साथ भी नोट बना लेना, ये परफेक्ट स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन में काम आते हैं। तो इसका मैं हिंट यहां पे ले सकता हूं कि दे आर यूज्ड इन परफेक्ट स्क्वायरिंग, जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग पढ़ते हैं ये उसके अंदर काम आएगा। ये हमारी एनसीईआरटी की आई थिंक 7.4 एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये काम में आते हैं। तो ये हमारे पास 20 हो गए। अब इस 20 के साथ मैं आप लोगों को ये जो पोर्शन है 3 हमारे, लेट मी मार्क, ये मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, डार्क डॉट लगा दिए मैंने, ये रूट वाली टर्म्स हैं, इनका जो रिजल्ट है वो आपको 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अपना इंटीग्रेशन का फंडा क्लियर, कि कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। तो 21st फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या है, वो है इंटीग्रेशन में पहले वाले पकड़ते हैं हम लोग, और ये न्यूमरेटर में आएगा a²- x²। मैंने अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की वीडियो में भी बताया था, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, जहां पे सर्कल और एलिप्स काम में आते हैं। यही एक फॉर्मूला है जो काम में आता है, वो है x/√a²- x²+a²/2 sin inverse x/a+c। आई थिंक इट्स इन द फ्रेम। देन 22nd,
22nd मैं इसको ले रहा हूं, ये डॉट लगा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको भी याद रखना है क्योंकि इसका यूज होगा, और ये जब न्यूमिरेटर में आएगा यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। देखो पहले वाली टर्म तो बिल्कुल सेम चलती है इसलिए इजी टू रिमेंबर, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ, ये जो रिजल्ट हमने यहां पे लिखा था वो रिजल्ट यहां पे लिख दीजिएगा, विच इज एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और लास्ट में 23वां रिजल्ट जो है वो ये वाला रिजल्ट हम लोग लिखा है, इसको अब न्यूमिरेटर में अगर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये रिजल्ट बनेगा एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये अपने पास जो हैं 23 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं जो हमें याद रखने जरूरी हैं। अगर आ गए तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं आए तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। इसमें से मैक्सिमम डिराइव्ड हैं, जब मैंने स्टार लगाया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद जितने भी हैं ये सारे के सारे डिराइव थे। स्टार लगाने से पहले जितने पढ़े थे वो रॉ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कहलाते हैं जो एंटी डेरिवेटिव से बने थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और ये 23 फॉर्मूले तो याद रखने जरूरी हैं।